Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत, मेरा चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट्स। हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे मैट्रिक्स के बारे में, अब हम लोग देखेंगे और डिटरमिनेंट्स के ऊपर होगा। मैट्रिक्स से रिलेटेड डिटरमिनेंट है जो मैट्रिक्स के अंदर में आती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट दिए गए हुए हैं, 2, 8 और 6, 4, चार एलिमेंट हैं। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स से हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो बोलेंगे यार डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे मतलब क्या, कि इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। द प्रोसेस विच फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। हम अगर किसी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। बहुत सारे का मन में आ रहा होगा यार वैल्यू तो दे रखा है, नहीं इसको हम लोग वैल्यू नहीं बोलते। इस जो हमको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो हमारा एलिमेंट्स है, और इस एलिमेंट को हम लोग आगे प्रोसेस से, जो प्रोसेस है उससे हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट, और एक बार डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट ओनली एप्लीकेबल, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए वैलिड जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स सुनते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि पिछले वीडियो में हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ढेर सारा जिसका टाइप था उसके बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में हम लोग बात किए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है वो भी बताए थे पूरा, फिर भी यहाँ पर देख लेते थोड़ा सा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसका बराबर हो, नंबर ऑफ रो को हम लोग एन एम बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग उसमें एन से डिनोट किए थे, याद होगा भाई। हमारा m इक्वल्स टू n जो होता है, m इक्वल्स टू n, उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जो हमारा m इक्वल टू n करने का सेंस, जैसे यहाँ पर देखिए जो हमारा एग्जांपल है क्या है, 2x2 का है, 2x2 का है, और इसमें क्या है, रो भी दो है और कॉलम भी दो है। सिर्फ जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो उसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज किसी का नहीं। अगर 2x3 का होता है, या 3x2, 4x3, 3x4, कुछ भी होता है जो सेम नहीं होता, m और n आपस में बराबर नहीं होते, तो उसका हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और जो डिटरमिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, वो तो बहुत सारा होता है, 5x5, 10x10, मतलब 100,000x1,000 का, जितना का हो सके उतना का निकाल सकते हैं। पर हम लोग का जो सिलेबस है, हम लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2x2 और 3x3 के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग 2x2 और 3x3 दोनों के बारे में पैरेलल बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग डिटरमिनेंट है उसको डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट को हम बहुत सारे सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसमें मेनली तीन सिंबल हम आपको बता रहे हैं। एक तो DETA, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या मॉड, मॉड जो होता है हमारा इस टाइप का होता है, मॉड कहीं भी, मॉड के अंदर अगर जो मैट्रिक्स हमारा उसको अगर लिख दें मॉड के साथ, तो वो डिटरमिनेंट हो जाता है सिंपल सा, अगर किसी भी कोई मोड के साथ, या फिर हम लोग डेल्टा के साइन से भी इसको डिनोट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरा आगे तक एक एक करके इसका जितना भी फॉर्म है उस सबके बारे में डील करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें, और हम लोग को सिलेबस में 2x2 और 3x3 के लिए पढ़ना है, बस इन्हीं दोनों पर हम लोग बात करेंगे। तो 2x2 का एग्जांपल देखते हैं, एक 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रखा है। मैट्रिक्स है इक्वल्स टू 2, 8 और 6, 4, ये क्या है, इस 2, 8, 6, 4 इसका मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और ये कितने का है, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, जो 2x2 लिखे हुए हैं इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है हमारा, 2x2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो यू जो डायगोनल है, ये हमारा रिवर्स डायगोनल है, नहीं प्रिंसिपल डायगोनल है, और ये जो हमारा है ये रिवर्स डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, और उस रिवर्स डायगोनल का जो मल्टीप्लाई
करने पे जो आएगा हमको उसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो प्रिंसिपल में से रिवर्स को माइनस करना। जैसे देखिए 4 × 2 कितना होगा, 4 × 2 8, और 8 × 6, 8 × 6 कितना होगा, 48। तो 8 − 48 तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, और 48 में से 8 गया तो 40, तो −40 जो हमारा आंसर हो गया। तो इस मैट्रिक्स का हम लोग जो वैल्यू फाइंड किए वो 40 आया, और इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इस मैट्रिक को हम लोग पहले डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स सिंपल होता है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट साइन से यदि यहाँ पे दिखाएं कि ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, या फिर इसको हम लोग डेल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे, या फिर DETA भी लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वैल्यू दिए। जैसे फाइंड द डिटर्मिनेंट नहीं, कहीं कहीं लिख कर फिर लिख दिया होगा फाइंड द DETA डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर फाइंड द डेल्टा का सिंबल दे दिया होगा एग्जाम में। तो जानना जरूरी है हम लोगों के लिए कि इसका कौन कौन सा सिंबल है, कहाँ कहाँ आ सकता है। हम लोग अब दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं जो हमारा 3/3 का है। एग्जाम्पल हमारा 3/3 का है, तो देखना तो ज़रूरी है। तो हमारा एक मैट्रिक्स गिवन है, देख सकते हैं, जिसके अंदर 9 एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, ये मैट्रिक्स का सिंबल हो, डिटर्मिनेंट का सिंबल हो, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो ब्रैकेट से मॉड में चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन या फिर रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करके तो नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रो या कॉलम किसी एक के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, या तो हम इसके रो के अलोंग करेंगे या फिर हम लोग इसके कॉलम के अलोंग करेंगे। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम कॉलम कॉलम, जब ये रो या कॉलम के अलोंग हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कुछ साइन आता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो प्लस, सेकेंड माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। ये याद रखेंगे, इसका यूज कैसे करते हैं मैं भी आपको जस्ट नीचे दिखा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो मैट्रिक्स है, अब देखिए हम इसको ना एक्सपेंड कर रहे हैं इस रॉ से, ठीक है। टू लिए, ये टू, टू लेते ही इसके रो और कॉलम दोनों को नहीं लिखेंगे, एक ये हुआ और एक ये नहीं लिखेंगे, तो बच कौन सा गया, सिर्फ ये 5 3 8 3, तो उसको हम 5 3 8 3 यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। सेकेंड में सिंबल जमा सेकेंड का कौन सा, माइनस, नेगेटिव, नेगेटिव साइन को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिए हैं, थ्री लिखे, थ्री का ये रहा और ये ढक दिए, कौन सा बचा, जो बच गया 1 2 3 3, तो 1 2 3 3 को लिख देंगे। फिर फोर्थ में, थर्ड में हमारा क्या है, प्लस का साइन, प्लस लिखेंगे। फर्स्ट में हमारा प्लस था, देख सकते हैं यहाँ प्लस है, प्लस वाला, फर्स्ट वाला प्लस। और देखिए फोर है, फोर, इसके रो और कॉलम को नहीं लिखेंगे, तो ये और ये इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। बच किया गया 1 2 5 8, 1 2 5 8 कर देंगे। अब तो ये हमारा 2/2 का हो गया, 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया ना। 2/2 का सॉल्व करना तो अभी हम लोग जस्ट ही सी जाने हैं अच्छे से, कि जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन जो होता है माइनस रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, वही करेंगे। 5 × 3 माइनस 8 × 3, ठीक है, सेम सभी के लिए रिस्पेक्टिवली ऐसे ऐसे करते जाएंगे। फिर इस दोनों का जो आएगा 15, इसका आएगा 24 माइनस 9 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके से लिखेंगे तो हमारा माइनस 17 आंसर आएगा। एक बार आप खुद से इसको करके देखिए, अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जिसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो जीरो के इक्वल्स टू आ गया, अगर इक्वल्स टू जीरो आ गया तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम फाइंड किए डिटर्मिनेंट, अगर वो जीरो आ गया तो सिंगुलर, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, ठीक है।
हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। 2 बाई 2 का हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिए हैं जिसको डिटरमिनेंट में लिखे हैं। अब तो पता ही हो गया होगा कि एकदम ईजी है। प्रिंसिपल माइनस रिवर्स प्रिंसिपल, 4 3 12, और यहाँ पे 12 रिवर्स 6 2 12 इक्वल्स टू 0, हमारा आ गया 0 आ गया ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये सिंगुलर है। हम सिंगुलर का एग्जांपल भी देख रहे हैं। अब जो हमारा सेकेंड है एग्जांपल, ठीक है, 3 बाई 3 का है, क्या हम लोग 2 बाई 2 और 3 बाई 3 दोनों को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में दोनों है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 बाई 3 9 एलिमेंट है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। डिटर्मिनेंट में चेंज कैसे करते हैं पता ही है, सिर्फ ब्रैकेट को हम लोग मॉड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका सॉल्व करना हम अभी बताएं, जैसे मान लेते हैं फिर से करके बताते थे एक बार, जिन जिनको समझ में नहीं आया दोबारा से देख लीजिएगा। और ये हमारा फर्स्ट वन, ये और ये ख़त्म, क्या बच गया 4 8 5 10, 4 8 5 10, या नहीं समझ में आ रहा तो दोनों का ढक देंगे, जो बच जाएगा मतलब परपेंडिकुलर टाइप से ढकेंगे, जो लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर, जो हमारा उसका जो लिए है एलिमेंट वन लिए हैं तो वन के ही दोनों इधर लाइन और इधर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म कर देंगे। देखिए जो बच गया सो हमारा लिख देंगे। फिर सेकेंड वाले में हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, जो हम अभी जस्ट ही बताए थे, प्लस फिर माइनस। माइनस क्यों लगाते हैं ये भी बता देते हैं। जैसे ये क्या है 1 1, ये क्या है हमारा 1 2। देखिए आई माइनस वन का जब हम लोग पावर करते हैं तो आई प्लस जे के हिसाब से करते हैं, तो हमारा यहाँ पे कौन सा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 कितना 2, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या जाता है 1, लेकिन यहाँ पे करते हैं तो माइनस वन का 1 2 हो जाता है, तो 1 2 कितना हो जाता है 1 प्लस 2, क्योंकि 1 1 था तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाता है 3, तो 3 मतलब क्यू, तो माइनस वन का क्यू कितना हो जाता है हमारा माइनस वन हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं। यहाँ पे जब हो जाता है 1 3, 1 3 होते क्या हो गया हमारा 1 और प्लस 3 मतलब 1 टोटल पावर 4, 4 मतलब -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 मतलब वो पॉजिटिव, फिर से ये आ जाता है जो जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो सब पॉजिटिव होगा, और जो जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा वो सब निगेटिव होगा। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि मान के चलिए अगर यहाँ पे निगेटिव में हमारा 3 होता, अगर क्वेश्चन में -3 गिवन होता, फिर भी हम माइनस का साइन लेते और हमारे यहाँ पे प्लस हो जाता, इस बात पे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए 3 हमारा 3 एलिमेंट को लेते हैं, 3 को तो 3 के देखिए ये और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, और देखिए क्या बच गया 2 3 8 10, 2 3 8 10, उसी तरह सेम इसका भी 6 का एलिमेंट का भी लिख देंगे, ये और ये कैंसिल, 4 2 4 3 5, 2 4 3 5। अब तो पता ही है 2 बाई 2 का लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 बाई 2 हमारा है, तो प्रिंसिपल डायगोनल रिवर्स डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन वही किया है, 4 × 10 -5 × 8 40 40 0, और 2 × 10 20, 8 × 3 24, 20 - 24 कितना -4 आया, -4 × -3 कितना हुआ 12, प्लस का 12 माइनस माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह देखेंगे 6, ये -2 आएगा, -2 × 6 प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो यहीं पर माइनस हो गया, और टोटल यहाँ पे भी 0 आ गया, तो हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है इक्वल्स टू कितना हुआ 0, ये दोनों हमारा क्या हुआ 0 आ गया। 0 आ गया मतलब सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स है जो हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। अब हम लोग नॉन सिंगुलर के बारे में देखते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते ही याद आ जाना चाहिए कि हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हमारा है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। जैसे हमारे यहाँ पर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट पॉसिबल है, डिटरमिनेंट करेंगे, डिटरमिनेंट कैसे करते हैं पता ही है, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे देखेंगे। 2 × 1 प्रिंसिपल
प्रिंसिपल का माइनस टू, टू इंटू माइनस वन मतलब माइनस टू हो गया, और हमारा यहाँ पर देखिए माइनस फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व, बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, और माइनस टू का माइनस टू है प्लस माइनस, तो माइनस होकर टेन बचेगा क्योंकि हमारा प्लस वाला साइन इस पर ज़्यादा है। तो ए इक्वल्स टू जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या मिला है टेन मिला है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह थ्री बाई थ्री का भी हम लोग देखेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज किए, डिटर्मिनेंट में चेंज करते ही दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं पता ही है हम लोगों को, फिर से एक बार देखते हैं। ये ख़त्म, क्या बच गया वन जीरो वन वन, वन जीरो वन वन, सिमिलरली जीरो जीरो के लिए ये लाइन गया, ये लाइन गया, तो क्या जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, ये हमारा वन है वन वन, और वन के लिए ये लाइन गया, ये लाइन गया, तो क्या बच गया जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन जीरो। इसका अगर सॉल्व करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का, तो वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो तो माइनस में ना जीरो हो रहा है तो वन ही बचेगा। सिमिलरली वन जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन जीरो, तो एक ख़त्म ही हो गया, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू वन, ये भी जीरो ख़त्म हो गया, तो हमारा बचा क्या सिर्फ और सिर्फ वन। तो वन, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारा मिला है फाइंड जो हम लोग अभी किए हैं वो हम लोग को क्या मिला है वन मिला है, तो अभी एक जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है,